कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे डेटा एंट्री जॉब के नाम पर पब्लिक के साथ फ्रॉड किया जाता है। इस वीडियो के बाद से मेरे पास काफी सारे ईमेल्स आए उन लोगों के जिनके साथ ये फ्रॉड किया जा रहा था। उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि कैसे ये लोग एक डेटा एंट्री जॉब का लालच देते हैं, उसके बाद एक फेक एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर पैसों की डिमांड करते हैं और पैसे न देने की सूरत में ये लोग केस करने की धमकी देते हैं। इससे आगे बढ़कर ये लोग एक केस नंबर भी शेयर करते हैं कि आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है और कोर्ट में जाकर आपको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1,00,000 रुपए भरने होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ये फ्रॉड लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, उनके साथ फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप अपने साथ होने वाले इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फ्रॉड लोगों की तरफ से पब्लिक को जो एक्सेप्टेंस लेटर, एग्रीमेंट्स, एसएमएस, ईमेल्स भेजे गए हैं, उनमें से कुछ को यहाँ पर मैंने सेव करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप इस एक्सेप्टेंस लेटर को देखिए, इसमें सिर्फ एक नेम लिखा हुआ है, कोई फादर नेम, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर कोई स्टाम्प या कोई सिग्नेचर तक नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है और ये फ्रॉड लोग पब्लिक को इस तरह के लेटर भेजते हैं और उन्हें डराते हैं। यहाँ पर आप एग्रीमेंट को देखिए, ये एक एग्रीमेंट है, इसको देख करके ही साफ पता चलता है कि ये इंटरनेट से कॉपी किया गया है और यहाँ पर इस पे कुछ डेटा टाइप कर दिया गया है, एक कंपनी का नाम दे दिया गया है जो कि पूरी तरह से एक फर्जी कंपनी है। नीचे आएंगे, क्लाइंट का यहाँ पर नेम और एड्रेस दे दिया गया है, MB इंडिया सर्विसेज एक कंपनी का स्टाम्प लगा दिया गया है। अगर आपको थोड़ा भी फोटोशॉप चलाना आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल फेक स्टाम्प है, ये दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए, सेकंड पार्टी का ना कोई सिग्नेचर है, ना कोई स्टाम्प है, ना कोई डेट है, ना कोई एड्रेस, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप एक सेकंड एग्रीमेंट को देखिए, यहाँ पर आप देखते ही समझ जाएंगे जो अभी मैंने पहले आपको एग्रीमेंट दिखाया है ये उसी की कॉपी है, इंटरनेट से इसको डाउनलोड किया गया है और इस पर सेम वही चीजें टाइप की गई है, लेकिन कंपनी का नेम बदल गया और क्लाइंट का नेम बदल गया। पहला वाला एग्रीमेंट किया गया है एक अलग कंपनी के नाम से वेस्ट बंगाल में, जबकि सेकंड किया गया है ग्लोब सोल नाम की कंपनी से राजस्थान में। मतलब के क्लाइंट्स अलग है, कंपनी अलग है, लोकेशन अलग है, लेकिन स्टाम्प पेपर सेम है, बिल्कुल वही है और यहाँ पर डिटेल्स भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ कंपनी का नेम चेंज किया गया है। अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखिए स्टाम्प लगाया गया है जो बिल्कुल फेक स्टाम्प है और यहाँ पर सेकंड पार्टी का कोई सिग्नेचर, कोई स्टाम्प, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप इस तीसरे एग्रीमेंट को देखिए, ये काफी दिलचस्प है, ये भी वही है, इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है और इस पर टाइपिंग कर दी गई है, लेकिन जिसने ये एग्रीमेंट टाइप किया है उसने शायद अपनी अकल को बेच दिया है। यहाँ पर देखिए, कंपनी का नेम तो दे दिया लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी का नाम देने की जगह नेम ही छोड़ दिया, यहाँ पर एड्रेस की जगह एड्रेस छोड़ दिया। मतलब कि वो कॉपी करने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ पर क्या लिखना है। इसको भी अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर भी आपको सेकंड पार्टी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फर्स्ट पार्टी में यहाँ पर बस एक स्टाम्प लगा दिया गया है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, और सेकंड पार्टी में यहाँ पर नेम तक नहीं है। चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक नोटिस है। सबसे पहले यहाँ पर नेम देखिए, ADV पटेल, कोई नेम नहीं है, बस एक सरनेम लगा दिया, एक डिग्री लगा दी और नीचे यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई ईमेल आईडी नहीं, कोई एड्रेस नहीं, चैम्बर कहाँ है, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं पता, बस डेट डाली और एक नोटिस यहाँ पर टाइप कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंपनी का एक स्टाम्प लगा दिया गया है जिसे कोई भी बंदा देख करके समझ सकता है ये एक फ्रॉड स्टाम्प है जो कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए, एडवोकेट ने अपना भी स्टाम्प मार दिया, यहाँ पर कोई नेम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई चैम्बर का पता नहीं है, बस एक स्टाम्प मार दिया। लेकिन इस स्टाम्प में आप देखिए यहाँ पर 2203-2016 ये एक इनरोलमेंट नंबर है। इस इनरोलमेंट नंबर को जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए यही एडवोकेट कई सारे फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखिए एक फ्रॉड ये है, इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट काफी सारी कंप्लेंट्स की गई है। प्रोज एक्सेल इंटरप्राइज नाम की कोई कंपनी है जिसका एड्रेस तो क्या कोई फोटो या लोगो तक नहीं है और इसने काफी लोगों के साथ फ्रॉड किया है जो कि इसके स्टार बता रहे हैं। इसके अगेंस्ट यहाँ पर काफी सारी कंप्लेंट्स भी की गई है और सभी कंप्लेंट में एक चीज कॉमन है, यही एडवोकेट सभी को ये एक नोटिस जारी करता है जिस पर इसका ये इनरोलमेंट नंबर होता है जो कि पूरी तरह से फ्रॉड है और फेक है।
इसके खिलाफ यहाँ पर काफी सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी की गई है। नीचे अगर आप गूगल में देखेंगे तो यहाँ पर और भी कई सारे फ्रॉड्स में यही इन्वॉल्व है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी का एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर भी इसी का एनरोलमेंट नंबर है। मतलब इस पेज पर इतने सारे फ्रॉड्स हैं और सभी में इसी का एनरोलमेंट नंबर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर इनके ईमेल्स देखिए, यहाँ पर देखिए ईमेल भेजा गया है। ईमेल में एक खास बात होती है, जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है उसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो एक वेबसाइट होती है। जैसे कि अगर आपको ईशान एलएलबी की तरफ से कोई ईमेल मिले help@ishanllb.com, तो इसमें ishanllb.com एक वेबसाइट है, उसको जैसे आप ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आपको वहां पर पूरी डिटेल्स मिलेगी, पूरा ब्लॉग और वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए corporate.legal@advocateassociate.com, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि advocateassociate.com कोई वेबसाइट है। अब अगर हम इसे गूगल में यहाँ पर सर्च करते हैं तो कुछ और ही देखने को मिलता है, यहाँ पर इस नाम की कोई वेबसाइट ही नहीं है। मतलब ये एक फेक ईमेल आईडी है जो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर ये एक सेकंड ईमेल आईडी है, इसमें तो इन लोगों ने कोर्ट की ही एक फेक ईमेल आईडी बना दी है, दिल्ली। आप देखिए यहाँ पर भी एक वेबसाइट है, इसको भी जब हम यहाँ ब्राउजर में सर्च करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है। इसके अलावा ये लोग आपको मैसेज भी भेजते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैसेज आता है कि आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर हो चुका है और रजिस्टर नंबर ये है, तो फौरन इस नंबर पर कॉल करिए। और फिर कॉल करने के बाद बोलते हैं कि केस खत्म हो जाएगा, आप इतने पैसे भर दीजिए। तो ये भी एक फ्रॉड है, फेक है। इसी तरीके से आपके पास कुछ इस तरह का एसएमएस भी आ सकता है कि सेक्शन 420 के तहत, 406 के तहत आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, उनके साथ चीटिंग करने के लिए और उनके साथ फ्रॉड करने के लिए। यहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, सभी को देख करके क्लियरली पता चलता है कि ये फ्रॉड और फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जो मासूम पब्लिक है, भोले भाले लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो ये डॉक्यूमेंट्स देख करके इनको असली समझते हैं और डर जाते हैं। कुछ लोग तो डर के मारे इनको पैसे दे भी देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल एग्रीमेंट, ओरिजिनल स्टाम्प पेपर और ओरिजिनल लीगल नोटिस कैसा होता है। यहाँ पर आप इस स्टाम्प पेपर को देखिए, ये एक ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यहाँ पर जो ये नंबर लिखा गया है ये एक कोड होता है। इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टाम्प पेपर किस डेट को और किसके नाम से और किस पर्पस के लिए जारी किया गया था। जबकि जितने भी ये फ्रॉड एग्रीमेंट है इनमें आपको यहाँ पर ये नंबर नहीं मिलेगा, इन लोगों ने इस नंबर को यहाँ से डिलीट कर दिया है। यहाँ पर आप एग्रीमेंट को समझिए, एग्रीमेंट में यहाँ पर ये नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्टी का नेम मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्टी का नेम आता है। इसके बाद एग्रीमेंट पूरा होने के बाद कंपनी का नेम, सिग्नेचर और उसका स्टाम्प आता है, और फिर बैक साइड में या सामने की साइड में ही एक स्टाम्प लगा हुआ होता है जिसमें दोनों पार्टीज के नेम होते हैं। फर्स्ट पार्टी का नेम भी होता है और सेकंड पार्टी का नेम भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये सेकंड पार्टी का नेम है। अब हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस कैसा होता है। यहाँ पर आप देखिए ये एक लीगल नोटिस है, यहाँ पर सबसे पहले एडवोकेट्स का नेम, उनकी चैम्बर का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आती है, उसके बाद लीगल नोटिस और यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा है उसका पूरा नेम और एड्रेस होता है, और नीचे सब्जेक्ट होता है कि किस बारे में है ये लीगल नोटिस, नीचे पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद नीचे सिग्नेचर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस लीगल नोटिस को देखिए, इसमें भी एडवोकेट का नेम, पूरा एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस दोनों दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा है उसका नेम और एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर और डेट होती है। आजकल इतने तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी कोई फ्रॉड होता होगा। जैसे कि आप ओलेक्स फ्रॉड को ले लीजिए, ओलेक्स आज के टाइम में फ्रॉड का एक अड्डा बन चुका है। और आजकल एक ग्रुप काफी एक्टिव है जो ओलेक्स पर फेक एड्स डालता है और उसके बाद अपने आप को आर्मी वाला बताता है और फिर सामान को बाई पोस्ट आपके पास सेंड करने की बात करता है, जिसके लिए वो आपसे सिर्फ पोस्ट चार्ज के लिए बोलता है कि आप 2-3 हजार रुपए मुझे पोस्ट चार्ज के सेंड कर दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट सेंड कर दूंगा और उसके बाद बाकी के पैसे आप प्रोडक्ट मिलने के बाद दे दीजिए। इसी तरीके से डेटा एंटी जॉब फ्रॉड है, इसमें भी फ्रॉड लोग दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, वेबसाइट्स पर एड देते हैं, आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं कि डेटा एंट्री जॉब करिए और 25,000-50,000 रुपए हर महीने कमाइए।
जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं, आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये लोग एक फेक एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये लोग आपको लीगल नोटिस भेजते हैं कि आपने कंपनी का काम नहीं किया है, जो एग्रीमेंट किया था वो आपने तोड़ दिया है, इसलिए आप 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कंपनी को पे करिए, वरना हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है आप लोगों के पास एडवोकेट के ईमेल्स और एसएमएस आने का, जो आपसे बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट के साथ आपने जो एग्रीमेंट किया था उसको आपने ब्रीच किया है, अब आपके खिलाफ हम केस फाइल करने वाले हैं, वरना आप इतने पैसे पे करिए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनसे डरकर, इनको सच मानकर पैसे पे कर भी देते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये सब फ्रॉड होते हैं, फेक लोग होते हैं और ये सिर्फ आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, इसलिए आप ना तो इनसे डरिए और ना ही इनको आप कोई पैसे दीजिए। अगर ये आपको परेशान करते हैं तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। धोखा देने की नियत से सहमति ली जाती है और एग्रीमेंट पर सिग्नेचर तक नहीं ले जाते, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनका मुकाबला कीजिए और इन जैसे फ्रॉड चीटर लोगों को आप सबक सिखाइए।